सब आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम। वाला मारा वाला नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर मारा वाला। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करके, मैं भिमानी जैसे बहुत नई बातें कर सकती हूँ, इस स्टेज पे हमेशा गाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी के बरसी के दिन हम आते थे। हर 24 तारीख को हर साल, तब बहुत साल हो गए थे पिताजी को जाके, इतना कुछ अखरता नहीं था, लेकिन आज ये नहीं पता था कि दीदी के लिए ऐसे आना पड़ेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसे ना हुई थी ना होगी। गले में सरस्वती, बुद्धि में चाणक्य, बहुत बुद्धिमान लड़की थी, दूर दूर तक का विचार करती थी। कहां जबान खोलनी है वो बराबर जानती थी। मुझे बोलती थी तू बड़बड़ 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 करती है, ऐसा मत सोचिए कि वो हमें डांटती नहीं थी, मारती भी नहीं थी, हम भी मारते थे उसको छोटपन में। और पकड़ने का एक ही तरीका होता था, चोटी, चोटी पकड़ ली तो वो रुक जाती थी, बहुत दौड़ती थी। वैसे अपने इमेज को उसने इतना अच्छी तरह एंड तक संभाला। ये मुश्किल है कि इतने बड़े नाम के साथ, उसको काला रंग भी पसंद था, पिंक भी था, और सब रंग पसंद थे, लेकिन उसने व्हाइट चुना। वो व्हाइट एंड तक वैसे ही वो चलती रही। कभी किसी ने उसको पंजाबी सूट में नहीं देखा, ना पैंट में देखा, ना किसी चीज में, साड़ी। वो अपने माता पिताजी, माई और बाबा, इतना प्यार करती थी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, शायद लोगों को सच ना लगे, मेरे पिताजी और माताजी सोए थे सोलापुर शहर में, तो उसने बोला, मैं छोटी थी 6-7 साल की थी, और वो 10 पर पता नहीं, ऐसे 4 साल मैं उससे छोटी हूँ, तो उसने कहा देखो माँ बाप का पानी का पाए का पानी, पैरों का पानी जो पीता है वो बड़ा बनता है। तो मैंने कहा क्या करना है, उसने कहा जा एक बशी और एक पानी लेके आ। पानी लेके मैं आ गई, और उसने क्या किया, पिताजी सोए थे, माँ सोई थी, उनके पैरों पे पानी डाला, और वो पानी जो गिरा तो उसने कहा पी ले। मैंने कहा अच्छा तू पीती है तो मैं भी पी लेती हूँ। हमने वो पानी पिया, और आज तक वो हमारा जो पानी है पिताजी का। ऐसे वो पिताजी और माताजी के भक्त थी। आज की दुनिया में कोई ऐसा करेगा, हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, बोले धो क्या हो हाथ। जहां गाने के लिए जाती थी वहां कहती थी बाबा यश देना, मराठी मध्ये बोलायची बाबा सांभाळून घ्या। ऐसी लड़की, खैर हमारे साथ तो बचपन में गिल्ली डंडा खेलती थी और बहुत कुछ खेल खेलते थे हम। कोल्हापुर में थे, गाड़ियां नहीं आती थी, रास्ता मिल जाता था खुला, गली के लड़के लड़कियां मिल जाती थी, और हम चांदनी रात में भी खेला करते थे।
वैसे वो बहुत जल्दी काम में लग गई 13 साल की उम्र में, लेकिन खेलती थी हमारे साथ। एक बार उसको 104 बुखार था, माँ ने कहा आज शूटिंग पे मत जा, तो उसने कहा नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर ने भी कहा कि हाँ आ जाओ। वैसे बुखार में वो जाके, उसका काम था परी का, जो परी लटक के उसको रखा था ऊपर सफेद कपड़ों में, और वो वहां से गाना गा रही थी हाथी लाके। मुझे अभी तक याद है कि कितना कष्ट करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को, और उसने वो किया। 1940 की ये बात है, जब फिल्मों में रिकॉर्ड के ऊपर सिंगर का नाम नहीं आता था, एक्टर का नाम आता था, रिकॉर्ड पे हमारा नाम नहीं आता था। मैं उसकी चमची थी, साथ में जाती थी, तो मैंने कहा दीदी तुम्हारा तो गाना गाया हुआ है लेकिन नाम तुम्हारा नहीं है उस पर। उसने मेरी तरफ देखा और कहा शांति, वक्त आने दे, समय पर हर बात कहनी चाहिए। ये मेरे में नहीं है, वो उसमें था। इसीलिए मेरे को हब, पहलवान, पठान इसी नाम से जानते थे। सब मेरे को ऐसे बुलाते थे, ए पठान इधर आ ये काम कर दे, सब काम करती थी वो, मेरे को बुलाती थी हब। मेरे पिताजी भी हब बुलाते थे, हब यानी दिमाग कम। तो उसको मैंने कहा, उसने कहा कि समय आने दे, और समय वो आया। उसका पहला गाना जो हिट हुआ, उस वक्त 15-16 साल की थी, दुबली पतली, सिर्फ लंबे बाल बहुत और कुछ नहीं, एकदम छोटी सी थी, पतली थी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ये लड़की से क्या गाना गवाने का, ये लड़की है, आवाज उसकी अच्छी नहीं है, क्या हो गई, ऐसे बोलते थे सब। तो डायरेक्टर जो थे वो बहुत अच्छे पंडित थे, खेमचंद प्रकाश जी, उन्होंने उसको कहा दीदी को कि बेटा मैं ये गाने, ये लोग कुछ भी कहते हैं कहने दो, मैं गवाता हूँ तुमसे। उन्होंने गवाया गाना, और वो गाना उस जमाने के जो लोग हैं उनको पता होगा, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। और इस गाने के साथ साथ उसका वक्त आ गया। उसके वक्त आने के बाद उसने प्रोड्यूसर से कहा मेरा नाम मेरे रिकॉर्ड पे आना चाहिए, लता मंगेशकर, वो ऐसे बोलती थी। तो प्रोड्यूसर के ये क्या बात हो गई, नहीं तुम क्या छोटी लड़की हो गाती हो, ऐसे बातें क्यों करती हो तुम। उसने कहा गाना हमने गाया है, एक्टर का नाम क्यों डाल रहे आप, हमारा नाम डालिए ना। तो वो मान गए, HMV भी मान गई। उस वक्त सब चीज अंडर अंग्रेज वगैरह सब लोग थे, रिकॉर्ड भी अंग्रेज होते थे, तो रिकॉर्ड पे नाम आ गया। ये हर प्लेबैक सिंगर को मानना चाहिए कि आज जो प्लेबैक सिंगर करके बुलाते हैं वो कभी भी किसी को पता नहीं होते, मैं भी नहीं होती ना दीदी होती, क्योंकि रिकॉर्ड पे नाम ही नहीं होता था, ना फोटो होते थे, उस जमाने में फोटो भी नहीं होते थे। तो नाम, गाना कौन गा रहा है, तो कोई एक्ट्रेस जी होती उसका नाम हो जाता। उसके बाद उसने क्या किया थोड़े दिनों बाद, के स्क्रीन पे म्यूजिक डायरेक्टर से पहले प्लेबैक सिंगर्स का नाम आना चाहिए, नॉट सिंगर ओनली, वो नहीं, सब सिंगर्स के लिए उसने किया। और इस वक्त भी बहुत प्रोड्यूसरों ने दंगा किया, लेकिन वो उसने कहा मुझे गाना नहीं गाना है। वो कहते कहते देखिए अगर आप नहीं सुनेंगे
तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। प्रोड्यूसर मान गए, इतने लोगों के नाम आते थे, प्लेबैक सिंगर के भी नाम आने लग गए। फिर आजकल नहीं देते हैं क्योंकि फिर जमाना बदल गया। तो उसके बाद उसने कहा कि हमें रॉयल्टी चाहिए। सब प्रोड्यूसर इकट्ठे हो गए, उस जमाने के अति रति महारथि जो थे सब इकट्ठे हो गए। उसने मुझे कहा, आशा तू मेरे साथ है? मैंने कहा, दीदी तू जो करेगी, चल जा सूढ़ी पे बेटा, करूँ चढ़ जाऊंगी। बोले, देखो ये लोग नहीं मानेंगे अगर हम गाना गाते रहेंगे, गाना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे, क्या बात है, छोड़ेंगे। तो उसने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, सब सिंगर्स को चाहिए, क्योंकि वो गाते हैं, गाने चलते हैं, प्रोड्यूसर कमाता है, रिकॉर्डिंग कंपनी हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हर हमें 500,000 रुपए देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन, आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हो। वो प्रोड्यूसर गाना लिखता है कोई, ट्यून बनाता है कोई, आप तो गाती हो। तो आप ऐसा कीजिए, मुशायरा कर लीजिए गानों का। नौशाद साहब, बूढ़ेपन घट पे आप ही गा लीजिए बाजे पे। सब तप तप आ गए, तप तप आ गए, इंडस्ट्री पूरी ये होगी। वो चली गई बाहर, महीना भर चली गई। बोले, मुझे गाना ही नहीं गाना है, ऐसे बोलती थी, मैंने नहीं गाना गाना है। एक शादी में उसको बुलाया था, अभी ये तो हमको मुझे मतलब हो गए ये सब चीज़ें, हमको शादी में बुलाया था किसी ने लंदन में। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर, आशा भोसले अगर हमें मिल जाए तो हम लोग एक एक मिलियन डॉलर या पाउंड कुछ भी देते। उसने आने वाले को कहा, आशा तू शादी में गाएगी? मैं कहा, नहीं दीदी, ऐसा कीजिए 10 करोड़ भी आप हमें डॉलर देंगे तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हम शादी में नहीं गाते, हम शादी में नहीं गाते। वो आदमी इतना समूह करके चला गया। वो मंगेशकर नाम से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी मुझे कहती या किसी से बात करती और उसको कहना होता तो वो बहुत ही लता मंगेशकर, मंगेशकर ऐसे करके। उसके अपने भाई बहनों पे, अपने घर से इतना लगाव था कि उसने मंगेशकर नाम का जैसे एक दीवार होती है, चारों तरफ मंगेशकर दीवार बना के गई, मंगेशकर दीवार बना के गई। जैसे बालाजी ने सब मरीन, बारूद, प्लेन्स, मिसाइल, जवान इकट्ठा करके चार सरहदों पे ऐसी दीवार मजबूत की है, सारे विश्व में भारत की एक नई पहचान हो गई है। हम जब भारत से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमें इज्जत मिलती है। आज वैसे उसने और एक बात हमारे लिए की, सब प्लेबैक सिंगर के लिए। लंदन में जब हम गाने, हम मैं नहीं जाती थी, जो दूसरे जाते थे तो वो हॉल में, घरों में प्रोग्राम करते थे, घरों में हॉल में किसी के,
उसने जब कहा कि मैं प्रोग्राम करने लंदन आऊंगी, किसी ने बोला लंदन, तो उसने कहा कि मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही शो करूंगी। उसने कहा वो मिलता नहीं है, वो गोरे लोगों का है, उसमें इंडियन जा नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते तो नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात। उसको मनाने का कोई मकसद ही नहीं था। उसने प्रोग्राम किया अल्बर्ट हॉल में, पहला प्रोग्राम उसने किया, अल्बर्ट हॉल फट पड़ा था, इतने लोग आए थे। उसके बाद मैंने शो किया वहां पे, उसके पैरों पे पैर रख के मैं जगह चली गई। उसने तब कहा कि जहां बारबरा स्ट्राइसैंड गाती है वो न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल में मैं गाऊंगी। उसकी सोच ऐसी ऊंची थी कि कार्नेगी हॉल कोई नहीं मिलता था वहां पे, किसी इंडियन को नहीं मिलता था, ना अफ्रीकन्स को मिलता था, गोरे लोगों का हॉल था। तो उसने उसमें गाया। फिर उसने सिडनी ओपेरा, सब जगह पे जहां गई वो, वहां उसने ऐसा किया। उसने हमारे लिए, सब प्लेबैक सिंगर्स के लिए, आज जो सब जा रहे हैं जाते हैं थे वन, उसने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। सब लोग बोलते कि वो महान थी, वो सरस्वती थी, वो मुझे मालूम है सरस्वती भी बच्ची होती है, उसको भी गुस्सा आता था, वो भी बहुत चिढ़ती थी, चिल्लाती थी, माँ बोलती थी चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, आवाज बैठ जाएगी तेरी, आवाज बैठ जाएगी, तो और चिल्लाती थी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो माँ से मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो लता मंगेशकर गई हैं, और मैं क्या कहूँ, जिस जिसको यहाँ पर अवार्ड मिल रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद देती हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कलाकार कलाकार नहीं बन सकता, जितना भी अच्छा हो, जब आज भव से सुनने वाले आप जैसे ना हो, कोई नहीं बन सकता। अगर आपने लता मंगेशकर को 80 साल सुना है, 50-60 साल तक सुना है, उसको बढ़ावा दिया है, उसको तालियां दी है, उसको आपको वो पसंद आई है, आपके दिल में उतर गई, तो आपने बताया भी है, इसीलिए वो कलाकार थी और आप भी उतने ही कलाकार हैं। मैं आपको धन्यवाद, उसके तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ कि आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाते हैं। मारा भाला पंत पनाजी अहियाँ आएला पधारी आला छे, अमारे माटे खूब खूब गौरवनी बात छे, हूँ एमनी बहु 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 आभारी छु। सगळ्या मराठी लोकांना माझा मराठीमध्ये नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान।